सो हाय गाइस, दिस इज़ सुधांशु मांत एंड यू आर वाचिंग सुधांशु एंटरटेनमेंट। तो जैसे कि मैंने पहले मेरा जो प्रोग्राम्स आने वाले हैं, जो सीरीज़ आने वाला था मर्चेंट नेवी के बारे में, मैंने इसका पहले वीडियो पे मैंने बता दिया था कि ये सीरीज़ आने वाला है। और मैंने ये भी बताया था कि जो पहला सीरीज आने वाला है, टॉप 10 सीरीज़, टॉप 10 लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी सीरीज़, जिसका कि पहला दो वीडियो मैंने बना दिया था ऑलरेडी, एंड वो सीरीज़ स्टार्ट होगा। वो ख़त्म होने के बाद बाकी का सीरीज आएगा। तो आज वही सीरीज़ का थर्ड पार्ट ये है, जो कि मैंने पहले दो बड़े शिपिंग कंपनी जो है, फर्स्ट नंबर पे जो मार्क्सलाइन एंड सेकंड नंबर पे जो मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी MSC, इन दोनों का मैंने ऑलरेडी बना दिया था। और उसके बाद जिसका नंबर था वो है CMA CGM कंपनी। तो आज हम लोग उसी CMA CGM के ग्रुप के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जो कि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है। ठीक है, सो ये डिस्कशन करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक्स कीजिए, एंड अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि आपकी शेयर की वजह से मैं भी ऐसे आगे बढ़ते रहूं और लोगों को भी मदद हो जाए, बच्चों को भी मदद हो जाए, वो भी मदद पा जाए। सो गाइज, आप ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो, और मैं आपको ऐसे ही अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन देते रहूं। सो गाइज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। CMA CGM के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो CMA CGM है, ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है। ठीक है, क्यों इसको वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी कहते हैं? क्योंकि ये इसके पास, किसके हिसाब से हम लोग जानते हैं कि ये लार्जेस्ट है, इसके पास कितना वेसल्स है, इसका TEU जो कि 20 फुट इक्विवेलेंट, जो कि एक यूनिट होता है, उसके हिसाब से उसका ट्रांसपोर्टेशन का यूनिट क्या क्या है, क्या क्या नहीं, उसके हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा बड़ा कंपनी है, कौन सा छोटा कंपनी है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो पहली चीज़ है, उसके हिसाब से हम लोग मार्क्स लाइन को पहला पे रखे थे, एंड MSC को सेकंड पे रखे थे, उसके बाद CMA CGM आता है। तो क्यों मैं बताऊंगा, और पहला जो कि मार्क्स लाइन, एंड अगर MSC का वीडियो तुम देखना चाहते हो, आप लोग देखना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दोनों का लिंक डाल दूंगा, आप चाहो तो उधर जाके उन दोनों का वीडियो आप देख सकते हो। तो CMA CGM इज़ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी। ये बेसिकली फ्रेंच बेस्ड कंपनी है। तो इसी का जो हेड ऑफिस है, वो हेड ऑफिस है मर्सेल, जो कि फ्रेंच पे ही है, तो फ्रांस पे ही है उसका ऑफिस मर्सेल, जो कि हेड ऑफिस है। तो उधर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, आसपास 6,500 से ज़्यादा एम्प्लॉय उधर के पास काम करते हैं। और ये जो CMA CGM कंपनी है, इसका भाई नेटवर्क कोई छोटा नेटवर्क नहीं है भाई, बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। इसके पास जो वेसल्स है, आसपास 494 उसके पास वेसल्स है। और इसका जो शिपिंग लाइन्स है, जो कि ये काम करता है, 200+ शिपिंग लाइन्स पे ये काम करता है। इसका 160 कंट्रीज़ पे इसका ऑफिसेस है, जो कि हेड ऑफिस फ्रांस पे है, पर इसका टोटल पे ऊपर ब्रांच के साथ जो भी ऑफिसेस है, इसका टोटल के ऊपर 160 कंट्रीज़ पे ये एक्टिवेट है। ये कंपनी 160 कंट्री पे, इसका 755 ऑफिसेस आप बोल सकते हैं उसे, वो एक्टिवेट है। मीन्स 160 कंट्रीज पे इसका टोटल ऊपर 755 ऑफिसेस इसका एक्टिव है, और वो सारे ऑफिसेस पे आसपास 30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क है इस कंपनी का, 160 कंट्रीज पे एक्टिवेट है, और जो 160 कंट्रीज पे टोटल ऑफिसेस इसका है, तो टोटल ऑफिसेस इसका 755 ऑफिसेस है, और 755 ऑफिसेस पे जो काम करते हैं, काम करने लोगों का जो अब यूनिट है वो है 30,000+। तो आप एक बार सोच लीजिए कि कितना बड़ा कंपनी है CMA CGM। तो बेसिकली इसका जो लास्ट ओवर का TU था, जो कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, ये TU को क्या बोलते हैं, ये TU क्या होता है, ये TU जो TEU मैं बोल रहा हूँ, ये एक यूनिट होता है, जो कि एक कंटेनर का कैरिंग कैपेसिटी जो होता है ना, वो डिसाइड करता है कि भाई क्या है। ठीक है, तो बेसिकली उसी के हिसाब से शिप का क्या कितना ट्रांसपोर्ट किया है, उसको पता चलता है कि भाई शिप ये ट्रांसपोर्ट किया है या फिर वो ट्रांसपोर्ट किया है। ठीक है, तो एक बेसिकली TEU होता है, जो कि एक कंटेनर का जो कैपेसिटी होता है वो कितना होता है, वो डिस्क्राइब करता है TEU। TEU यूनिट बेसिकली वही डिस्क्राइब करता है कि एक कंटेनर का कैपेसिटी कितना है। तो बेसिकली इसका जो वही TEU यूनिट के हिसाब से इसका जो लास्ट ईयर पे जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, दैट इज 18.9 मिलियन इसका जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ था।
यूनिट के हिसाब से, टीयू के यूनिट के हिसाब से इसका जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ था 18.9 TU था, ठीक है, 18.9 मिलियन TU उसका था, जो कि बहुत ही बढ़िया अमाउंट है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो और एक बात भी इसका है, हमारे टोटल वर्ल्ड पे जो 521 जो कॉमर्शियल पोर्ट्स है, तो 521 पोर्ट्स पे ये टोटल ऊपर 420 521 पोर्ट्स में से ये 420 पोर्ट पे अपना सर्विस भी चालू रखता है। मींस 420 पोर्ट पे भी वो एक्टिवेट है, 420 पोर्ट पे वो सेलिंग करता है, कमर्शियल पोर्ट पे भी वो सेलिंग करता है। तो सोचिए भाई कितना बड़ा कंपनी है। बेसिकली मैं बताऊँ, शॉर्ट पे बताऊँ भाई, आपको बता दूँ, हेड ऑफिस इसका फ्रांस पे है, इसका टोटल जो ये टोटल 160 कंट्रीज़ पे एक्टिवेट है। सी एम एस सी जी एम का मैं टोटल शॉर्ट लिस्ट करके बता रहा हूँ, टोटल 160 कंट्रीज़ पे एक्टिवेट है। 160 कंट्रीज़ पे टोटल इसका 755 ऑफिसेस हैं। 755 ऑफिसेस में से ऑफिस में एटलीस्ट 30,000 प्लस एम्प्लॉय इन लोगों का काम करते हैं, और इसका जो सीव्स है वो 200 प्लस शिपिंग लाइन्स पे वो एक्टिवेटेड है। एंड हमारा वर्ल्ड पे जो 521 कमर्शियल पोर्ट्स है, वो 521 पोर्ट्स में से ये 420 पोर्ट पे अपना कमर्शियल पोर्ट पे अपना मीन्स सर्विस अपना जारी रखा है आज तक। अभी तक वो 420 521 वर्ल्ड का 521 कमर्शियल पोर्ट्स में से ये 420 टोटल के ऊपर 420 पोर्ट्स पे ये अभी तक एक्टिवेट है। देखिए भाई बहुत ही बड़ा कंपनी है, और 1978 पे ये एस्टेब्लिश हुआ था, बहुत ही बड़ा कंपनी है, ट्यू रेट बहुत ही बढ़िया है। और हमारे इंडिया पे भी इसका 29 ऑफिसेस है, जो कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया जगह पे है, चेन्नई पे है, न्यू दिल्ली पे है, कोलकाता पे है, महाराष्ट्र पे है, आप उनका साइट पर जाकर भी चेक कर सकते हो कि किधर किधर है। पर उनका टोटल के ऊपर 29 जो एजेंसीज है सी एम एस सी जी एम का, 29 एजेंसीज 29 ऑफिसेस इधर हमारे इंडिया पे है, जिधर की 600 से ज़्यादा हमारा इंडियन एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं। तो आप उधर जाके अपना प्लेसमेंट के बारे में, स्पॉन्सरशिप के बारे में, या फिर कैसे उधर जाएं, ज़्यादातर तो ये फ्रेशर्स को इतना नहीं लेते हैं उधर, अगर आप जाने का सोच रहे हो, फ्रेशर्स को तो ज़्यादातर नहीं लेते हैं, एक्सपीरियंस वालों को लेते हैं, पर बहुत ही पापड़ मिलना पड़ता है। आपको पता भी होगा कि यार जितना बड़ा कंपनी उतना पापड़ मिलना पड़ता है आप लोगों को। सो अगर चले गए तो भाई लाइफ सेट। सो भाई आज का मेरा ये सीरीज़ का ये वीडियो था, होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, प्लीज़ कीप सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। एंड गाइज मॉक्स लाइन एंड MSc का भी जो देखना चाहते हैं, जो कि टॉप 1 टॉप 2 है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉल डाल दूंगा, आप देखेंगे। और ये था हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी CMSCGM ग्रुप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, प्लीज़ कीप सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई वीडियो, एंड अगर हो सके तो शेयर भी कीजिए, ताकि मैं आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू।